ये मामला रात को 3:30 बजे हुआ है। पुलिस थाने के बाजू में जो चौक है वहां पे हुआ है। धमाका एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि पुलिस थाने में आवाज आई और पुलिस थाने में जो तैनात कर्मचारी थे वो तुरंत भाग के वहां पे गए थे और जो जख्मी थे उनको मदद करके उनको तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। फिर भी उसमें से एक लड़का जो था 23 साल का वो एक्सपायर्ड हो चुका है एक्सीडेंट की वजह से। पुलिस ने जगह पर से आरोपी की जो गाड़ी थी जो 100 मीटर चला के उनके बाद वो गाड़ी भी बंद हो गई तो गाड़ी छोड़ के भागे थे। उनकी गाड़ी जब्त की और गाड़ी के नंबर प्लेट से आरोपी का नाम और उसका एड्रेस निकाल के उसको रात में ही उसको धर दबोचा है। उसको पुलिस थाने लाया गया है, उसका मेडिकल कर लिया गया है कि जिसमें वो दारू पिया है या नहीं है उस बारे में मेडिकल कर लिया है। जो मेडिकल ब्लड सैंपल्स है वो CO को भेज के हम लोग उसमें उस सेक्शन अगर है तो ऐड कर जाएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। उसको अरेस्ट कर लिया गया, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बारे में मैं यही आह्वान करना चाहूँगा हिट एंड रन के केस के बारे में। बाकी इन्वेस्टिगेशन तो हमारा चालू है, लेकिन आप सबको पता है कि हमारे माननीय CP साहब है, DCP साहब है, सब लोग आपको जनता से आह्वान करते, हर बार आह्वान करते जब भी कोई पब्लिक मीटिंग हो कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए। ये ट्रैफिक रूल्स है, कोई कायदा जिसके लिए पुलिस आके खड़ी होगी तो ये आपको पालन नहीं करना है। अपने आप के अंदर से होना चाहिए कि मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करूंगा। ट्रैफिक रूल्स सीधे से है, जैसे सिग्नल जंपिंग नहीं करना है, टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करना है, सीट बेल्ट लगाना है। अभी कल की रात की जो खबर है उसमें भी जो चारों बच्चों में किसी ने हेलमेट नहीं पहना था और जो बच्चा मारा गया है वो सर पे चोट लगने से मर चुका है। बाकी और किसी से नहीं, अगर हेलमेट पहनना होता तो आज वो जिंदा होता था। और जो क्रॉसिंग जो आती है तो क्रॉसिंग खोबरा के चौक की जो क्रॉसिंग है वहाँ पे दोनों गाड़ियों ने अपना अपना आजू बाजू देख के अगर गाड़ी निकालती होती, स्पीड कम कर लिया होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। ये छोटे से बेसिक सेंस है जो सबने फॉलो करने चाहिए और ये फॉलो करेंगे तो अपनी जान और माल की रक्षा खुद कर सकते हैं। उसके लिए पुलिस की आपको जरूरत नहीं और हिट एंड रन के केसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस अपघात में हिट एंड रन केस में जो Scorpio 1 से अपघात हुआ था या उन बच्चों को कुचला गया था उस गाड़ी का नंबर है MH40CQ0002। वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और उसके मालिक को भी हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है।